Audio Jungle. So hello friends, again a warm welcome in Creative Comrade, and today we are going to discuss 2017 English paper, 2017 second English paper. Okay, so this is exam which is conducted by UPSC, and this is second 2017 exam. Okay, so in this section we are going to discuss English paper. So first we are going to start from spotting error. Actually friends, some of our friends had said that they want explanation in Hindi. So from today I will explain these English paper in Hindi. Okay, Hindi and English both, I will try to reach both ends. So let's start. So पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. और यहाँ पे हमें इच सेक्शन में चार सेक्शन है, ए बी सी डी, और अगर नो इरर है तो हमें ऑप्शन डी मार्क करना है, और जिस पार्ट में इरर है वो मार्क करना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 21st. आई वेटेड फॉर द रिटर्न विद ग्रोइंग अनईज. इन इनिशियल रीडिंग आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी इरर, आई एम गोइंग टू यूज ब्रेकिंग मेथड. सो क्या होता है, जैसे अगर आपको इनिशियल रीडिंग में इरर फाइंड नहीं होता तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ब्रेकिंग रूल लगा सकते हैं. अगर ब्रेकिंग रूल भी सही होता है, ब्रेकिंग रूल में भी कोई इरर फाइंड नहीं होता है, तो हम क्या मार्क कर देंगे, नो इरर. सो आई वेटेड, ओके, पास्ट टेंस, फॉर हर रिटर्न. हर रिटर्न इज ऑल्सो राइट. विद ग्रोइंग अनईज, यू मे बी थिंक लाइक दैट ग्रोइंग अनईज कुड बी रॉन्ग, बट नो, हियर ग्रोइंग इज एक्टिंग लाइक अ जेरेंट, सो दिस इज राइट. सो what should be the right answer for this question is no error, option D. So option D is the right answer. चलिए आगे चलते हैं. I do not understand why, okay, in spite of my best efforts. Efforts is also right. In spite of my best efforts to please him, my boss is angry at me. My boss is, actually friends एक बात चेक करते हैं कि recording चालू है कि नहीं. Okay, एक्चुअली क्या हुआ, अभी पिछली बार रिकॉर्ड, ये वीडियो मैंने कंप्लीट रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग नहीं चालू है, इसलिए कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो माई बॉस इज सो एंग्री एट मी. सो हियर यू कैन इजिली आइडेंटिफाई एरर इन पार्ट ऑफ सी, बिकॉज हियर दे यूज्ड एट. व्हाट शुड बी द करेक्ट प्रपोजिशन हियर, ऑन, करेक्ट प्रपोजिशन इन ऑन. वाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ यहाँ पे एट क्यों नहीं होगा, ऑन क्यों होगा. देखिए, एट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, एट का यूज जब जैसे पर्टिकुलर टाइम बताना हो, ठीक है ना, 7 o'clock, 3 o'clock, या किसी बड़ी सिटी में कोई स्मॉल प्लेस, जैसे कनॉट प्लेस इन दिल्ली. तो आई स्टे एट कनॉट प्लेस इन दिल्ली. तो किसी बड़ी सिटी में शॉर्ट प्लेस अगर बताना हो तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं. इसके अलावा जब हम किसी ह्यूमन बीइंग या किसी अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, जैसे एंग्री, यहाँ पे क्या अब्स्ट्रैक्ट नाउन बात कर रहे हैं, और ये ह्यूमन के रिस्पेक्ट में, लिविंग थिंग के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एट नहीं लगेगा, वहाँ पे क्या लगेगा, ऑन. सो हियर हियर व्हाट शुड बी द राइट प्रीपोजिशन, ऑन. सो एरर इन पार्ट ऑफ सी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करूंगा फ्रेंड्स, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका प्रैक्टिस भी हो. चलिए नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 23. बीइंग अ रेनी डे वी डिड नॉट फील लाइक गोइंग आउट और डूइंग एनीथिंग. सो बीइंग अ रेनी डे, दिस सीम्स लाइक ऑड, बिकॉज यू हैव रीड मेनी टाइम्स बीइंग ह्यूमन दिस वर्ड. ओके, वेट अ मिनट, बीइंग ह्यूमन. एक्चुअली फ्रेंड्स, माउस का यूज कर रहा हूँ तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सुनने में ध्यान दीजिएगा, है ना. बीइंग ह्यूमन, बीइंग फेथफुल, बीइंग हार्डवर्किंग, ऐसा कुछ होता है. तो बीइंग फेथफुल, बीइंग इंडस्ट्रियस, आपने ये सब वर्ड सुना है कि ये सब किससे रिलेटेड है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड, मैन काइंड से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, मैन काइंड की क्वालिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना, लिविंग थिंग की क्वालिटी से रिलेटेड है, कार्निवरस, बीइंग कार्निवरस, लिविंग थिंग की क्वालिटी से रिलेटेड है. लेकिन यहाँ पे क्या है, बीइंग ए रेनी डे,
बींग ए रेनी डे, ये किसी इवेंट को शो कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा दिस विल ऑलवेज गो विद द प्रीपोजिशन, सॉरी नॉट अ प्रीपोजिशन, दिस विल ऑलवेज गो विद द सब्जेक्ट इट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे, ठीक है ना। सो हियर इन पार्ट ऑफ ए, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नॉट डिफिकल्ट, ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू बिलीव दैट, ए मैन हु हैज लिव्ड इन द सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, ओके, ही विल नेवर फील एट होम एनी वेयर इल्स इन द वर्ल्ड। सो बाई इनिशियल रीडिंग यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी इरर, सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज ब्रेकिंग मैथड। इट इज करेक्ट, नॉट डिफिकल्ट, करेक्ट, टू बिलीव दैट ए मैन, ओके, हुज इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज हुज लिव्ड इन द सिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम इज ऑल्सो करेक्ट, ही विल नेवर फील एट होम एनी वेयर इल्स इन द वर्ल्ड, लॉन्ग टाइम ही विल नेवर फील, एक्चुअली इरेज दिस ही, erase this e and now read, who has lived in the city for a long time and will never feel home at home anywhere else in the world. So in this question, in this sentence, he is unusual, okay, यहाँ पे he का use unnecessary किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, initial reading से आपको नहीं पता चलेगा, ये आप इसके लिए आपको practice करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप जितने ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा question practice करेंगे error, spotting error में, वही आपके लिए काफ़ी benefit होने वाला है, ठीक है ना। तो इस type के error हमें practice से हम identify करेंगे, तो यहाँ पे he ने use नहीं होना चाहिए, so error in part of C। Now move on next question, although we reached his house on time, he was left for the airport. So I already explained in marathon video what is the concept behind this question. So agar aapka sentence past tense mein hai, theek hai na, ye past tense show kar raha hai, we reached, okay, past tense show kar raha hai, two events ho rahe hai, kya bol raha hai ki when he although we reached his house on time, he was left for the airport, matlab jab uske jab wo log हम लोग उसके घर पहुंचे तो पहले ही वो एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। तो हमें हमें यहाँ इस टाइप के वर्ड में जहाँ पे दो इवेंट हो रहे हों और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना, दो इवेंट हो रहे हों, उस कंडीशन में पहले इवेंट को फाइंड करेंगे। वेट अ मिनट फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स इरर इन पार्ट ऑफ बी 25। So I'm going to explain again this question. Although we reached his house on time, he was left. What should we use? We should use here had. Okay, had verb ka third form. So error in part of B. Now move on next question. If a thing is worth doing at all, it is worth done well. So this is one of the famous idioms, and this idiom should be like this, it should be removed, okay, if a thing is worth doing at all, is worth done well, okay, so this is the right idiom, so error in part of C. Now move on next question, all the boys returned back. So I am explained in my marathon video, and again you can be easily identify this error because returned back, we can't use these word like returned back, okay, because meaning of return is same. Meaning of return is you are back, you are again doing that thing, okay, return means you are back, so we should not use return with back, like revise again, we can't use revise with again, okay, revise with again, so this is wrong word, so yahan pe dhyan rakhiyega friends, return ke sath back nahi hai na, revise ke sath again nahi, बेद के साथ बी ए टी एच ई होता है, बेद के साथ योर सेल्फ नहीं, क्योंकि हम बेद करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो हम खुद को ही नहलाएंगे, ठीक है ना, बेद। Now move on next question. 28. Tell me the name of a country where every citizen is law abiding, okay, and no trouble is there. So by initial reading you can find there, this is awkward. When you will read, this is like absurd, okay, and there is no trouble. This should be like there is no trouble. ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैसे लिखा होना चाहिए, there is no trouble, but यहाँ पे क्या है, no trouble is there. So error in part of C. ये कैसा होना चाहिए, there is no trouble. So now move on next question. Considering about this fact. So मैंने अपने मैराथन वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है, कंसिडर के साथ कोई प्रिपोजिशन
कंसीडर के साथ अबाउट प्रीपोजिशन नहीं होता, ठीक है ना, कंसीडर के साथ अबाउट प्रीपोजिशन कभी नहीं होगा, याद रखिएगा फ्रेंड। सो इट इज इन पार्ट ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर आपको रूल पता है तो आपको पूरा सेंटेंस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजिली फाइंड कर पाओगे। और अगर आपने इजिली फाइंड कर लिया तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपना टाइम सेव करिए। आगे बढ़िए। हिज फ्रेंड्स फील दैट ही विल बी सस्पेंडेड अनलेस ही डज नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मिल गया इजिली, मुझे सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए मुझे रूल पता है कि अनलेस, अगर अनलेस आपके सेंटेंस में है तो जिस सेंटेंस सेंटेंस के जिस पार्ट में अनलेस है उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस अनलेस द वर्ड अनलेस हैव निगेटिव मीनिंग, ओके। सो वी कैंट यूज नॉट, वी कैंट यूज नॉट विथ अनलेस, सो हियर नॉट इज यूज, सो एरर इन पार्ट ऑफ सी, ओके। तो अनलेस का रूल आपको पता होगा कि अनलेस अगर वर्ड में है तो उसके साथ नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना, या कोई और निगेटिव सेंटेंस है उसके साथ नॉट नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31st, वन ऑफ द मोस्ट। तो मैंने आपको बताया कि पहले भी, और मैंने आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन इन माई मैराथन वीडियो, इफ वी फाइंड वर्ड लाइक वन ऑफ, ओके, वन ऑफ, सो वन आफ्टर वन ऑफ वी विल फॉलो पी एस एस रूल। पी एस एस मीन्स नाउन शुड बी प्लूरल एंड आफ्टर नाउन, आफ्टर प्लूरल नाउन वर्ब और नाउन एवरी थिंग शुड बी सिंगुलर, ओके। सो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग, ओके, फीचर, सो हियर शुड बी फीचर्स, प्लूरल फीचर्स, सो एरर इन पार्ट ऑफ ए। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज रनिंग कैट ऑन कैट एंड डॉग्स, सो दिस इज अगेन पॉपुलर इडियम्स, ओके, इट वॉज रनिंग कैट एंड डॉग्स, सो दिस इज इडियम्स एंड दिस इज करेक्ट, ओके, सो नो एरर, सो वॉट इज द वॉट So what would be the right option? D, no error. What is the meaning of it was raining cat and dogs means heavy rain, heavy rain. Okay. Now move on next question. I prefer this book that than that one. So here this is very tricky question, and here I am going to explain new concept. What is the concept? Many of times when we see in the word prefer. Okay. Prefer will always carry the preposition to, but here कंडीशन इज डिफरेंट। लेकिन यहाँ पे देखिए, आपने अधिकतर पढ़ा है कि प्रीफर जो होता है हमेशा टू के साथ, प्रीफर के साथ हमेशा टू लगता है डिग्री में जब हम कंपैरिजन करते हैं, लेकिन याद रखिए प्रीफर के साथ टू लगता है जब हम कंपैरिजन करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, आई प्रीफर दिस बुक दैट देन दैट वन, यहाँ पे क्या कर रहा है, चूज कर रहा है, ठीक है ना, चूज कर रहा है। तो यहाँ पे हम प्रीफर के साथ टू यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखिए देन और प्रीफर का यूज तो मैंने बता दिया प्रीफर के साथ टू। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या है, देन, देन का यूज हम कब करते हैं, देन, टी एच ए एन, एक दो दो देन होता है, एक वन इज टी एच ए एन, टी एच ए एन एंड अनदर इज टी एच ई एन, ओके, टी एच ई एन, राइट। सो व्हेन वी विल यूज देन, देन व्हेन वी कंपेयर वन थिंग विथ अनदर एट द कंडीशन वी विल यूज देन, जहां पे हम कंपेरिजन करते हैं वहां पे हम देन का यूज करते हैं, ओके। लेकिन देन का हम यूज कब करते हैं, ठीक है ना, देन एक कंडीशन बताता है, एक सिचुएशन बताता है कि इसके बाद ऐसा होगा, या फिर हम ऐसा चूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहां पे हम देन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आई प्रिफर दिस बुक देन दैट वन, यहाँ पे हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ, मैंने इस बुक को चूज किया बजाय उसके, ठीक है ना, बजाय दूसरी के। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सो यहाँ पे देन इन प्लेस ऑफ देन वी शुड यूज देन, टी एच ई एन, ओके, टी एच ई एन, सो एरर इन पार्ट ऑफ सी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 34, देयर बिलोंगिंग्स वेयर लॉस्ट इन द फायर। फ्रेंड्स अगेन चेक करता हूँ कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, ओके, रिकॉर्डिंग इज ऑन है। चलिए, देयर बिलोंगिंग्स वेयर लॉस्ट इन द फायर, their belongings, तो आपने ये पढ़ा होगा इस टाइप का सेंटेंस, their all belonging were lost in the fire, या their belonging were lost in the fire, belongings, तो याद रखिएगा belongings है, ठीक है ना, their belongings, तो इसके साथ वर ही लगेगा, ठीक है ना, यहाँ पे मत कंफ्यूज होइए, इसका तो वर ही लगेगा, their belongings were lost in the fire, ठीक है ना, तो याद रखिएगा, तो ये करेक्ट है, their belongings were लगाया, अगर यहाँ पे वाज होता तो रॉन्ग हो जाता, their belongings were lost in the fire, राइट है, तो नो एरर, सो व्हाट इज द राइट आंसर इज नो एरर, ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, टेल हिम टू टेक, हिम डिनोट, ओके, टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, ठीक है ना।
देखिए यहाँ पे अनदर फोटोग्राफ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे फोटोग्राफ्स होता तो ये क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे फोटोग्राफ है, टेल हिम टू टेक अनदर फोटोग्राफ ऑफ द ग्रुप, ऑफ द ग्रुप। तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट वन, सो नो एरर्स। व्हाट व्हाट शुड बी द अवर ऑप्शन, ऑप्शन डी, ओके, राइट आंसर इज डी। नाउ मूव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई कर्टिसली आस्क्ड हिम वेयर वाज ही गोइंग, बट ही डिड नॉट रिप्लाई। ओके, रीड अगेन वेरी केयरफुली। आई कर्टिसली आस्क्ड हिम, ओके, दिस इज करेक्ट। वेयर वाज ही गोइंग, सो यू बाई इनिशियल रीडिंग यू कैन फाइंड देयर, बिकॉज दिस इज ऑकवर्ड। ओके, वट शुड बी द राइट, वेयर ही वॉज, वेयर आर यू, लाइक वेयर आर यू, पीपल आर आस्किंग मेनी टाइम्स वेयर आर यू, ऐसे ही हम ना बोलते हैं कि वेयर आर यू, कहाँ हो तुम। ओके, सो बट यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर वाज ही गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, सो दिस रॉन्ग, सो इरर इन पार्ट ऑफ बी। एक्चुअली फ्रेंड जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमोरेंडा, वेरी सिंपल, द मेमोरेंडा आर ऑन द टेबल। एक्चुअली द वर्ड मेमोरेंडा इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, सो इन प्लूरल, दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट, एंड व्हाट शुड बी द वर्ब, वर्ब शुड बी आल्सो प्लूरल, सो राइट द मेमोरेंडा और ऑन द टेबल, दिस आल्सो राइट, सो नो एरर। सो व्हाट व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन डी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंदिता आस्क्ड मी, ओके, इफ आई वॉज वर्किंग, इफ आई वॉज वर्किंग हार्डली दीज डेज। ओके, सो हियर हार्डली निगेटिव वर्ड, ओके, हार्डली, सो यहाँ हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू निगेटिव वर्ड। ओके, फर्स्ट फर्स्ट कॉन्सेप्ट पहले हिंदी में बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद इंग्लिश में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अगर हार्डली आपके हार्डली वर्ड, लाइक हार्डली निगेटिव वर्ड, नो सूनर, नो सूनर, नथिंग, अगर निगेटिव वर्ड आपके स्टार्टिंग में आते हैं, आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस निगेटिव वर्ड के बाद अपन क्या लगाते हैं, पहले वर्ब, वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट यूज करते हैं। ये दिस इज द फर्स्ट रूल। सेकंड, व्हाट इज द सेकंड रूल, अगर निगेटिव वर्ड आपके सेंटेंस, सॉरी, वर्ड लाइक हार्डली, नथिंग, नो सूनर, सेंटेंस के बीच में आता है, ठीक है ना, सेंटेंस के बीच में आता है, तो उस समय उसके साथ नॉट का यूज नहीं करते। ओके, निगेटिव वर्ड जैसे आपका हार्ड हो गया, नो सूनर हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है ना, अनलेस हो गया, तो उस समय क्या करते हैं, उसके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, अगर मिडिल में आ रहा है आपके सेंटेंस में, ठीक है ना। थर्ड कंडीशन क्या है, अगर ऊपर की दोनों कंडीशन आपके सेंटेंस में नहीं है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हार्डली का क्या हो जाएगा, हार्डली का हार्ड हो जाता है, ठीक है ना, हार्डली का हार्ड हो जाता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ इस क्वेश्चन में, वेयर इज द क्वेश्चन, ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ हार्डली वी शुड यूज हार्ड, ओके, हार्ड, सो इरर इन पार्ट ऑफ सी। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक ट्रिक भी है यहाँ पे, अगर अगर आपके सेंटेंस में हार्डली है और वो बीच में है, तो उस कंडीशन में इरर भी किस पार्ट में होगा, हार्डली वाले पार्ट में ही होगा, ठीक है ना, इरर इन पार्ट ऑफ सी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके ओके, वेट 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 समथिंग, ओके राइट, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ही कुड नॉट फाइंड एन आंसर, एन आंसर, ओके राइट, कुड नॉट फाइंड राइट, एवरीथिंग इज राइट, सो नो इरर। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। होम यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट, होम यू थिंक विल बी डिसमिस्ड फर्स्ट, सो दिस इज अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, इन नाउ डेज, इन नाउ डेज 99%, 99% वी आर यूजिंग हु, ओके, इन प्लेस ऑफ हु वी आर यूजिंग, नाउ डेज वी आर 99% वी आर यूजिंग हु, सो मे बी चांस हियर इन पार्ट ऑफ ए, सो वट शुड बी द राइट आंसर, ए, ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर, हियर इन पार्ट ऑफ ए। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन द मेनी प्रॉब्लम दैट कन्फ्रंट द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द, सॉरी, ऑफ द मेनी प्रॉब्लम, सो पीपल मे बी थिंक लाइक दैट, पीपल मे बी थिंक लाइक दैट, हियर इन पार्ट ऑफ ए, बट नो, ऑफ द मेनी प्रॉब्लम इज ऑल्सो करेक्ट वर्ड, एंड ऑफ द मेनी प्रॉब्लम इज डिनोट प्लूरल, ओके, बट इन प्लेस ऑफ many of, many of is denote singular, many of, the word many of denotes singular, okay, but of the many denote plural, so of the many problems, this is right, right, of the many problems that confront the leader, that confront the leaders, plural of the word, okay, none are of grave consequence, so when you goes through the word sentence b, okay, b part, what you find, none are, none are of, have you even seen, have you ever seen the word like none are, so this is wrong, what, this is wrong, what should be the right, none of, none of, so error in part of b. Now move on next question, you got the answer, clear with the concept or not, okay, chaliye aage chalte hain, question number 42 hai hamara, all of them, all of them speak
स्पीक गुड इंग्लिश, ऑल ऑफ देम प्लूरल, स्पीक ओके दिस इज ऑल्सो प्लूरल गुड इंग्लिश, दिस इज करेक्ट, सो नो इरर. वॉट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी, नो इरर. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्यून हैज नॉट स्वेप्ट द फ्लोर टूडे. द प्यून हैज ओके क्लियर, प्यून हैज क्लियर नॉट स्वेप्ट द फ्लोर टूडे. ओके एवरीथिंग इज क्लियर, बट ही हैज स्वेप्ट. वी नीड टू स्पेसिफिक विद द दिस पर्टिकुलर वर्ड बिकॉज स्वीप एक्चुअली SWEP स्वीप. वट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्वीप? दैट इज दैट शुड बी स्वेप्ट. ओके नॉट स्वीप्ड. सो दिस वर्ब इज रॉन्ग. सो इरर इन पार्ट ऑफ बी. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. हर पेरेंट्स हैज नॉट परमिटेड हर टू मैरी सुनील. हर पेरेंट्स, सो अगेन दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट बिकॉज हर पेरेंट्स, द वर्ड पेरेंट्स डिनोट प्लूरल. ओके द वर्ड्स पेरेंट्स डिनोट प्लूरल प्लूरल. सो वॉट शुड बी द हेल्पिंग वर्ब विद प्लूरल? दैट शुड बी हैव. ओके दैट शुड बी हैव नॉट हैज. सो इरर इन पार्ट ऑफ बी. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्परर अशोका हैव कंक्वर्ड द कलिंगा बिफोर द एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. ओके एम्परर अशोका हैव. सो ट्राई टू आइडेंटिफाई, ट्राई टू एनालाइज. एम्परर अशोका हैव कंक्वर्ड कलिंगा बिफोर ही एम्ब्रेस्ड द बुद्धिज्म. सो try to identify. This is the past tense. Okay, this is the past incident historical. So what should be the use in place of have? We should use had. Okay, had. So sometime analysis can help you a lot. Okay, to find the answer. So what should be the right answer? B, error in part of B. Now move on the next question. Every student singular. Okay, so with this singular sentence we should always use singular verb. So what should be the right answer? Every student should be asked okay to give their. Okay, what should be here? Gifts. Okay, gifts. But again here is there is also wrong because this every student is singular. So what should be the here is also singular. So in place of there we should use his. Okay, his. So error in part of C. Now move on the next question. Okay, so I think we have done with the spotting error the problem, and now we are moving for the next section. If we have, so this is the ordering of sentence, and ordering of sentence question is not relevant for the UPSC EPFO exam. So we are moving for the next section. चलिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट. ओके तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या हुआ कि कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि आप उसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करिए अच्छे से. तो इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूँ, पूरी कोशिश करूँगा उसकी इंग्लिश वाले पेपर को भी मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो. ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और दिस इज सेम लाइक स्पॉटिंग एरर. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन जो वर्ड रहेगा उसके प्लेस में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको चूज करेंगे. ठीक है ना, अगर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट मार्क करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. वेट अ मिनट फ्रेंड्स, वन सेकंड. So let's start again. 67. Go northeast across the mountain till you will reach an Iceland. So these type of question you need to read again and again very careful and you can identify the answer. ठीक है ना, इसको आपको बार बार पढ़ना है और आप इजिली आंसर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? Go northeast across the mountain till you will reach an Iceland. Till you will reach an Iceland. So here V is will is unnecessary. यहाँ पे will का use unnecessary किया गया. अब इसको पढ़िए, till you reach an Iceland. This is also correct. So what should be the right answer? B. अगले question पे चलते हैं. It is hard these days to cope with the rising price. Okay. So I have explained in my marathon video. Cope will never use up. Never use preposition up because cope up with. This is wrong.
सो इन दिस सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट नीडेड. ओके सो वॉट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन डी. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही टुक ए लोन ऑफ 100 रुपी फ्रॉम हिम. सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोन बोरो एंड डेप्ट. ओके सो वॉट इज द लोन? लोन इफ यू आर टेकिंग मनी इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ मॉर्टगेजेस इन बिहाफ ऑफ मॉर्टगेज मीन्स अगर आप लोन लेते हैं कुछ अपना वैल्यू, जैसे हम बैंक में लोन देते हैं तो कुछ अपना वैल्यू गिरवी रखते हैं, ठीक है ना, कुछ बेस पे रखते हैं, मॉर्टगेजी कुछ मॉर्टगेज करते हैं, कुछ वहाँ पे गिरवी रखते हैं, ठीक है ना. तो उस कंडीशन में बैंक हमें लोन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोन. बोरो क्या होता है? बोरो जब हम किसी से कुछ चीज़ लेते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बाइक लेते हो और आप उसको शाम को वापस कर देते हो, ठीक है ना, वो क्या होता है? ओके तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? सॉरी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, एक्चुअली सम डिस्टर्बेंस ड्यू टू द नॉइज, सो आई हैव इंटरप्टेड. ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन. ही टुक ए लोन ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम मी. So I explained difference between the borrow and loan, and now I'm going to explain the what is the meaning of debt. So what is the debt? Debt means if some agar koi kehta hai ki this person have to pay 14,000. okay my 14,000 मतलब कोई किसी ने आपका कितना ले लिया, 14,000 पैसा अपने पास रखा है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या है? कर्जदार है. तो उस कंडीशन में हम डेप्ट की बात करते हैं, ठीक है ना. तो यहाँ पे लोन एक करेक्ट वर्ड है, ठीक है ना, लोन करेक्ट वर्ड है. ही टू के लोन ऑफ 100 रुपीज फ्रॉम मी. सो राइट आंसर इज डी, नो इम्प्रूवमेंट. वेट अ मिनट फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. ओके सो फ्रॉम द लास्ट 5 डेज इट हैज बीन रेनिंग टोरेंटली. टोरेंटली मीन्स वेरी हैवली, वेरी लार्जली. ओके सो फ्रॉम द लास्ट 5 डेज वट शुड बी द राइट आंसर? फॉर द लास्ट 5 डेज. ओके सो ऑप्शन बी इज राइट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द टीचर एलॉन्ग विथ हर 3 चिल्ड्रन वेयर टेकन टू हॉस्पिटल. अगेन वेन यू वेन द वर्ड एलॉन्ग कम विथ कम बिटवीन योर सेंटेंस एंड टीचर एलॉन्ग विथ हर 3 चिल्ड्रेन एंड अदर मेंबर इज ऑल्सो मेंशनड एट द कंडीशन हेल्पिंग वर्ब शुड बी सिंगुलर नॉट अ प्लूरल. ओके सो वॉट शुड बी द राइट आंसर? वॉच टेकन, वॉच टेकन. ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्राइम मिनिस्टर हैड वाइड रेंजिंग डिस्कशन इन द इंटरनेशनल सिचुएशन. एक्चुअली द वर्ड वाइड रेंजिंग इज अ करेक्ट वर्ड. ओके एक्चुअली इनिशियली वेन आई रीड द सेंटेंस आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज वाइड रेंजिंग इज करेक्ट और नॉट, बट द वर्ड वाइड रेंजिंग इज वेरी करेक्ट वर्ड. सो हियर इन द सेंटेंस नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायरमेंट. सो वट इज द मीनिंग ऑफ वाइड रेंजिंग? वाइड रेंजिंग मीन्स इन एम्पल ऑफ, इन डेमोन्स्ट्रेटिव वे. हिंदी में कहते हैं व्यापक रूप से, ठीक है ना. तो इन वाइड रेंजिंग मीन्स व्यापक रूप से. So what should be the right option? Right option is option D. Now move on the next question. The man disappeared after he was rescuing a boy from drawing. The man disappeared after he was rescuing a boy from drawing. Actually, after he was rescuing. Actually, क्या होना चाहिए यहाँ पे? Was rescued होना चाहिए. क्यों होना चाहिए? The man disappeared after he was. देखिए, man ने ही उस लड़के को बचाया था. After he was rescued boy. तो उसने किसको रेस्क्यू किया है? बॉय को, फ्रॉम ड्रोनिंग. तो उसने लड़के को डूबने से बचाया है, और जिसने बचाया है वही चला गया बचाने के, मतलब तो गायब हो गया. तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? ए, वॉज रेस्क्यूड. ओके नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई शैल बी ऑब्लिज्ड इफ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू. सो अगेन द वर्ड कुड ग्रांट इज वेरी करेक्ट वर्ड. ओके वेरी करेक्ट वर्ड. वेन इफ यू आर रीडिंग द इंग्लिश न्यूज पेपर डेली यू फाइंड दिस वर्ड इन हेडलाइंस, कुड ग्रांट. ओके कुड ग्रांट. सो आई शैल बी ऑब्लिज्ड इफ यू कुड ग्रांट मी एन इंटरव्यू. सो डोंट कन्फ्यूज मी, दिस इज द करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बाई एट एट इन द मॉर्निंग. ओके बाई एट इन द मॉर्निंग टाइम टाइम इज मे बी रिलेट टू परफेक्ट. थिंक लाइक दैट बट डोंट स्टिक विद दैट. थिंक लाइक दैट मे बी रिलेट टू परफेक्ट. ही रोट 4 लेटर. सो बाई
एट इन द मॉर्निंग ही हैड, व्हाट शुड बी द ही हैड रिटन 4 लेटर, बिकॉज ही हैड स्टार्टेड वर्क इन मॉर्निंग एंड ही स्टिल कंटिन्यू, मतलब उसने वर्क कब स्टार्ट किया है, मॉर्निंग में स्टार्ट किया है और अभी तक उसने कंटिन्यू रखा है. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका, हैड रिटन. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. बट फॉर वन विटनेस द एक्सक्यूज ऑट टू हैव, देखिए क्या बोल रहा है कि एक विटनेस के कारण एक्सक्यूज को क्या एक्सक्यूज को क्या जेल जाना पड़ेगा, जेल भेज दिया जाएगा अगर एक विटनेस भी हमको मिल जाता है. तो ऑट टू का यूज कहाँ पे करते हैं, ऑट टू जब हम फॉलो ऑब्लिगेशन, जब अपना दायित्व, जब अपना कर्तव्य पूरा करना होता है, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, ऑट टू का. एक्चुअली फ्रेंड्स आई एम एक्सप्लेनिंग वेरी फास्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक दिस वीडियो वेरी शॉर्ट. बिकॉज क्या होता है, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो लोग उतना अच्छा, लोग लगता है काफी बड़ा हो रहा है, ठीक है ना, वो थक जाते हैं. सो इसलिए मैं जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इन प्लेस ऑफ ऑट टू वॉट शुड बी द बट फॉर वन विटनेस द एक्सक्यूज वुड हैव और शुड हैव. तो शुड हैव यहाँ पे यूज नहीं होगा, वॉट शुड बी द राइट आंसर इज वुड हैव. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही इज नाउ लुकिंग अबाउट अ जॉब. सो यहाँ पे सबको पता है काफी सिंपल है, फॉर अ जॉब. ही इज नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, ओके, ही इज नाउ लुकिंग फॉर अ जॉब. ही डिड नॉट अबाइड विद माई डिसीजन, अबाइड विद माई डिसीजन, अबाइड विद माई डिसीजन. ही डिड नॉट अबाइड बाई माई डिसीजन, विद माई डिसीजन. वॉट अवॉइड के साथ क्या राइट प्रीपोजिशन होता है, बाई होता है, ठीक ना. इन प्लेस ऑफ विथ हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, बाई. तो ही डिड नॉट अवॉइड, एक्चुअली क्या विथ, विथ का यूज जो हम पर्सन, जो पर्सन एक चीज, जैसे बिटवीन वी आर वॉकिंग विद, यहाँ पे जब दो पर्सन आपस में कोई वो करते तो वहाँ पे विद का शेयर करते, तो वहाँ पे विद का यूज मैक्सिमम करते हैं, ठीक है ना. मैक्सिमम बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल, ओके. सो ही डिड नॉट अवॉइड बाई माई डिसीजन. सो वॉट शुड बी द ऑप्शन इज बी. आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 ईयर वेन आई वॉज चाइल्ड. आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 ईयर. एक्चुअली ये बोल रहा है कि मैं चेन्नई में रहता था जब मैं बच्चा था. तो क्या होना चाहिए, मैं चेन्नई में रह रहा हूँ, दिस इज रॉन्ग, ओके. आई वॉज लिविंग इन चेन्नई फॉर 10 ईयर वेन आई वॉज अ चाइल्ड, ओके. तो एक्चुअली इसका मीनिंग ये था कि जब मैं 10 साल का था तब मैं चेन्नई में रहता था, ठीक है ना. मतलब मैं जब मैं बच्चा था तब मैं 10 साल तक चेन्नई में रहा था. तो क्या होना चाहिए, आई हैड और लिव्ड, आई लिव्ड इन चेन्नई, ओके. आई लिव्ड इन चेन्नई फॉर 10 ईयर व्हेन आई वाज चाइल्ड. सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन इज बी. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई डिडेंट फील लाइक गोइंग आउट स्टडी बट ऑन अकाउंट ऑफ माई सन इलनेस आई हैड टू गो टू द डॉक्टर. आई हैड टू गो टू द डॉक्टर. सो this is no improvement because this sentence is also past tense, okay, and this is also had, so no improvement is required. Now move on. So our right option is option D. Now move on the next question. Your service are dispensed. So the word dispense dispense is 89% 89 time 89% the dispense will always come with the preposition with, okay. The dispense always use the preposition with. 89% में क्या, 89% कंडीशन में क्या होता है, डिस्पेंस के साथ हमेशा विद यूज करते हैं. तो अगर कहीं डिस्पेंस लिखा है तो डिस्पेंस साथ फॉर मत यूज करिए फ्रेंड्स, विद यूज करिए, ठीक है ना. सेफ प्लेस में रहेंगे. आई डिड नॉट गो ऑफिस बिकॉज आई वॉज इल, आई फेल्ट इल, आई हैड बिकम नो. सो दिस इज राइट ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन डी. चलिए एक्चुअली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. अब यहाँ से अपोजिट से करते हैं, इसके बाद ऊपर जाएंगे, ठीक है ना. दिस इज टेलीफोन नंबर इज नॉट एग्जिस्टिंग, रॉन्ग. दिस टेलीफोन नंबर इज डज नॉट एग्जिस्ट, दिस सेम करेक्ट, ओके. दिस एंड दिस साउंड गुड, दिस साउंड करेक्ट. यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ विथ न्यू आइडिया. देखिए क्या होता है, जो वर्ड एकस्टम, एकस्टम देखिए एक्चुअली क्या होता है, एकस्टम 99% के 99% टाइम एकस्टम के साथ क्या होता है, विद यूज होता है, ओके. एकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडिया. यू मस्ट एकस्टम योर सेल्फ विद न्यू आइडिया. तो आई थिंक रियल ऑप्शन, सॉरी राइट ऑप्शन शुड बी ए, ऑप्शन ए. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ ट्री बिफोर कुड वॉक फर्दर. सो लेड, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर. सो लेड क्या है, ले का थर्ड फॉर्म है, ओके. सो यहाँ पे सेंटेंस पास्ट, पास्ट में नहीं है, तो वह राइट आंसर क्या होना चाहिए, ले होना चाहिए. एक्चुअली मैंने अपने मैराथन वीडियो में ले लेन और लेट के बीच डिफरेंस एक्सप्लेन किया, अगर आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं. महात्मा गांधी इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द नेशन, ओके. सो दिस इज रॉन्ग, ओके, बिकॉज महात्मा गांधी कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, ओके, कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन. सो राइट आंसर इज बी. आगे चलते हैं, काफी तेज है मुझे पता है लेकिन जरूरी है. द चेयरमैन विद अदर मेंबर ऑफ द बोर्ड आर ट्यूरिंग यूरोप, सॉरी ट्यूरिंग यूरोप दिस डे. एक्चुअली क्या है बोल रहा है,
कि द चेयरमैन विद अदर मेंबर, मतलब ये क्या है, कमेटी है, ओके, चेयरमैन विद अदर मेंबर एक कमेटी है, अ कमेटी क्या है आपका, सिंगुलर है, और ये सब कहाँ कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आर ट्यूरिंग है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ट्यूरिंग। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट जो आपको प्रैक्टिस से ही पता चल सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंग्री नेबर नेवर पास्ड फ्रॉम इच अदर विदाउट मेकिंग रूड रिमार्क्स। देखिए क्या होता है, एंग्री नेबर नेवर पास्ड फ्रॉम यूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक दूसरे को पास कर रहे हो, मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको फ्रॉम यूज नहीं करना चाहिए, नो नीड टू यूज फ्रॉम। सो व्हाट शुड बी द राइट ऑप्शन, और राइट ऑप्शन इज पास्ड सी। सो हियर वी हैव डन विद द सेंटेंस इंप्रूवमेंट, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन अगेन दिस इज कम्प्रीहेंशन, और कम्प्रीहेंशन इज नॉट रिलेवेंट फॉर अवर यूपीएससी पीपीओ एग्जाम, सो आई एम सर्चिंग अगेन फॉर न्यू थिंग इफ एनी, ओके फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, इन दिस सेक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ ब्लैंक स्पेस एंड फोर वर्ड्स आर गिवेन बिलो इट, सेलेक्ट द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड यू कंसिडर मोस्ट अप्रोप्रिएट। एक्चुअली क्या करना है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या फायदा हो सकता है, यहाँ से हमारा वोकैबुलरी स्ट्रांग हो सकता है, ठीक है ना। तो वोकैबुलरी के लिए ये बेनिफिट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलिए, इन दिस यूनिवर्सिटी देयर इज नो फॉर अवार्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस, एक्चुअली सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड हैव डीप नॉलेज विद वोकैबुलरी एंड ग्रामर, ओके, यू शुड हैव डीप नॉलेज विद द राइट यूज ऑफ वोकैबुलरी। So if you want you can skip this section, if you want you can skip this section, okay, but here I'm going to explain. If you think it may be worth, like something is better than nothing, so you can continue with me, okay. So now let's start. In the university there is no for awarding a scholarship on the basis of merit in examination. So jab aap shuru mein padhte to aapko kya kya lag sakta hai, in a university there is no precedent, opportunity, chance, possibility. तो चांस, मुझे जब मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कि इसका चांस होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन जब मैंने प्रीसीडेंट को देखा तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, फिर मैंने इसका राइट ऑप्शन खोजा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी को एलिमिनेट कर देते हैं, इन दिस यूनिवर्सिटी देर इज नो पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब वो चीज़ पहले हो रही है लेकिन अब नहीं होगी, ठीक है ना, वो चीज पहले ही हो रही है लेकिन इस साल नहीं होगी, पॉसिबिलिटी वो डिनोट करता है। लेकिन क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इन द यूनिवर्सिटी देर इज नो फॉर अवार्डिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन द एग्जामिनेशन, मतलब उस यूनिवर्सिटी में जो मेरिट के बेस पे कोई स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं, मतलब उसमें कभी हुआ ही नहीं है, इसका चलन ही नहीं है, ठीक है ना। तो चांस की बात तब होती है जब कोई चीज हो रहा है और वहाँ पे चांस हो जाए, वहाँ पे हमें अवसर मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है ना, इस टाइप का। तो चांस इज सेम एज अपॉर्चुनिटी, तो चांस भी नहीं होगा। सो राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या होता है, चलन है, मतलब वो उस यूनिवर्सिटी में ये परंपरा ही नहीं है कि वो मेरिट के बेस पे स्कॉलरशिप दे, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैन यू पे ऑल दिस आर्टिकल, तो कैन यू पे, कुछ लोग कन्फ्यूज जाएंगे, पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली देखिए पे ऑफ हम कब यूज़ करते हैं, पे ऑफ यू कब यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम का रिवॉर्ड आपको अब मिला है, तो क्या बोले आप, क्या बोलोगे कि आई हैव पेड माई हार्ड वर्क इज पेड ऑफ, ओके, मतलब मुझे अपने हार्ड वर्क का फल मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैन यू पे, हमें पे करना है इन फॉर्म ऑफ मनी, तो क्या हो जाएगा, पे फॉर, ऑप्शन इज सी राइट ऑप्शन। ही नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन 113, ही मे नॉट कम बट विल गेट रेडी इन द केस, ही मे नॉट कम बट विल गेट रेडी इन केस, ओके, क्या बोल रहा है, ही मे नॉट कम बट ही विल गेट रेडी इन केस। ही देखिए विल का यूज हो चुका है, ओके, तो विल का यूज नहीं करेंगे, ही मे नॉट कम, मे का भी यूज हो रहा है तो मे का भी यूज नहीं करेंगे, मे और विल एलिमिनेट, शैल तो नहीं, विल शैल का फॉर्म है तो यूज नहीं करेंगे, राइट ऑप्शन इज डी, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ही इज क्वाइट, अभी देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, ही इज क्वाइट, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम इन मैटर ऑफ सिक्रेसी, क्या बोल रहा है, ही इज क्वाइट अनजस्ट, ही इज क्वाइट अनजस्ट, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम इन मैटर ऑफ सिक्रेसी, जब आप कोई गलत काम करते हो, ठीक है ना, कोई आपने मिसबिहेव किया वहां पे अनजस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, ही इज क्वाइट इनसफिशियंट, यू कैन नेवर काउंट ऑन हिम, नो इनसफिशियंट, नो ही इज क्वाइट अनरिलायबल, मतलब वो विश्वसनीय है, तो रिलायबल की बात हो रही है, ही की बात हो रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका रिलायबल इसका राइट ऑप्शन होगा,
ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने पर आप इसको आंसर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 115 पे। द गवर्नर विल द ओथ ऑफ ऑफिस टू 35 न्यू मिनिस्टर एट द 9 PM टुमारो। देखिए क्या बोल रहा है कि गवर्नर गवर्नर को क्या करना है, 35 मिनिस्टर को ओथ दिलवाना है, ठीक है, 9:30 PM पे। तो गवर्नर विल कन्फर्म, कन्फर्म क्या होता है, तलब करना, कन्फर्म तलब मतलब आप किसी दूसरे किसी काम के लिए दूसरे को अपॉइंट कर रहे हो, तो लेकिन यहाँ पे तो गवर्नर को खुद ही करना है, तो कन्फर्म नहीं होगा। प्रेजेंट नो, एक्सिक्यूट नो, एडमिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट व्यवस्था, गवर्नमेंट करे, द गवर्नर टू एडमिनिस्टर, सॉरी एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस टू 25 न्यू मिनिस्टर एट द 9 PM टुमारो। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एडमिनिस्टर। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हैव फॉरगॉटन टू ब्रिंग देयर सर्टिफिकेट, दे विल बी अब्यूज्ड। देखिए अगर आप सर्टिफिकेट नहीं लाए तो क्या आपके प्रिंसिपल आपको अब्यूज कर सकते हैं? नो, एक्सक्यूज्ड, कोई हमने अपराध थोड़ी किया है। रिप्रीमेंडेड, डांटना, रिप्रीमेंडेड मीन्स डांटना, और रिप्रोच, रिप्रोच मीन्स उलाहना देना, उलाहना देना मतलब मजाक उड़ाना, ठीक है ना, रिप्रोच मीन्स उलाहना देना, मजाक उड़ाना, मजाक तो नहीं उड़ाएगा, मेन भी डांट सकते, तो रिप्रीमेंडेड शुड बी द राइट आंसर। रिप्रीमेंडेड मीन्स डांटना, रिप्रीमेंडेड याद रखिएगा। द कंसिक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हैव, इसी जगह ना वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन, बिकॉज 99% पीपल मे बी थिंक लाइक दैट, ड्रॉन टू द लोवेस्ट लेवल, ड्रॉन शुड बी, मे बी दे गो विद द, दे गो विद दिस ऑप्शन स्लिप्ड। द कंसिक्वेंस इकोनॉमिक ग्रोथ हैव नाउ स्लिप्ड टू द लोवेस्ट वे, बट नो, बट नो, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, राइट आंसर इज पर लोकेटेड, पर लोकेट, ओके। तो मैंने भी ऐसा कभी नहीं सुना था, क्योंकि न्यूज़पेपर में तो ऐसा ही दिया रहता है स्लिप्ड, तो पर लोकेटेड यहाँ पे राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, शायद आपको काम आ जाए। आगे देखते हैं, मिसेज रैमसे डिड नॉट नो वेदर मिस जेन न्यू, देखिए यहाँ पे वेदर लगा है, मतलब वेदर आल्सो क्वेश्चन डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे हाउ का यूज तो नहीं होगा। स्विमिंग और टू स्विम, तो यहाँ पे स्विमिंग राइट है, ठीक है ना, पढ़ के ही पता चल जा रहा है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं, ही कोलैबोरेटेड द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द क्रिएटिव इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमॉन्ग द पीपल, ही कोलैबोरेटेड, ही कमांडेड, ही कंस्ट्रक्टेड, ही कमेंडेड, तो कोलैबोरेटेड तो नहीं होगा, ही कमांडेड द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ही कंस्ट्रक्टेड भी नहीं होगा, एलिमिनेट, एलिमिनेट, कमेंडेड। अब यहाँ पे हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कमेंडेड और कमांडेड। तो देखिए जब आपको हायर किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, कमीशन्ड, मतलब आपका कमीशन हो गया, आपको हायर किया गया, ठीक है ना, कमेंडेड, कमेंडेड भी कमीशन से बना है, लेकिन यहाँ पे कमांडेड, ही कमांडेड द रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन क्रिएशन, सॉरी इन क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमॉन्ग द, मतलब उन्होंने अपना हाथ, अपने मतलब अपनी जिम्मेदारी पे लिया, ही कमांडेड मतलब उन्होंने कमांड किया, सॉरी अवेयरनेस, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में, मतलब उन्होंने इस प्रोग्राम को कमांड किया, ठीक है ना, उन्होंने इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो राइट राइट ऑप्शन इज बी। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड गिव एनी एवरी वन ट्रेनिंग इन द सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, बट वी हैव दिस एस्पेक्ट टिल नाउ डिनाइड, नेग्लेक्टेड, रिफ्यूज, डिसअलाउड। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, वी शुड गिव एवरी वन ट्रेनिंग इन दैट सिटीजनशिप। देखिए सभी नागरिक, सभी नागरिकों को हमें ट्रेन, वी शुड गिव एवरी वन ट्रेनिंग इन सिटीजनशिप, बट वी हैव, देखिए क्या बोल रहा है कि सभी नागरिकों को हमें ये ट्रेनिंग देनी चाहिए, लेकिन अभी बट वी हैव डिनाइड दिस एस्पेक्ट, नेग्लेक्टेड, रिफ्यूज, नेग्लेक्टेड, राइट ऑप्शन इज बी। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव डन विद द इंग्लिश प्रैक्टिस क्वेश्चन, एंड नाउ प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, दिस इज आई हैव एक्सप्लेन इन वेरी वेल मैनर, और इफ यू नीड एनी टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट, अगर आपको कोई किसी टाइप का इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स नेवर गिव अप, ऑलवेज ऑलवेज नेवर गिव अप, ओके, नेवर गिव अप। सो थैंक यू।